हाय मैं ब्यूटी फ्रॉम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये डीप डार्क डैम्पिंग सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक, जिसे मैंने पेयर किया है इन रेडिश ब्राउन स्मोकी आईज के साथ और काफ़ी डीप शेड ऑफ लिप है। सो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कैसे अचीव किया मैंने ये मेकअप लुक, प्लीज़ इस वीडियो को आगे फॉलो कंटिन्यू कीजिए। ऐसे मेरे चैनल पे एक गिवअवे हो रहा है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे अचीव किया मैंने ये मेकअप लुक। मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन। ये एक काफ़ी लाइट वेट मीडियम कवरेज फाउंडेशन है और इसे मैं डॉट कर रही हूँ ऑल ओवर माय फेस और उसके बाद मैं इसे अपने फेस पे स्टिपल करूँगी अपने स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से। ये काफ़ी इजी टू यूज़ फाउंडेशन है, आप इसे अपने हाथ से या अपने ब्यूटी स्पॉन्ज से ब्यूटी ब्लेंडर से किसी भी चीज़ से ब्लेंड कर सकते हैं अपने फेस पे। आई थिंक आपको कोई इशू आएगा, ये नेसेसरी नहीं है कि वो सारे ब्रशेज जो मैं यूज़ करती हूँ आपको भी यूज़ करने पड़े। आप अपने हाथों से ही आप अपने फाउंडेशन को हमेशा अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद में मैं अपना रियल टेक्निक्स का मिरेकल स्पंज ले रही हूँ और उस फाउंडेशन को अपनी आईज पे एक बार फिर ब्लेंड कर रही हूँ। अब स्विच होंगे हम लोग आईज पे। मैं मेकअप रेवोल्यूशन का 32 अल्ट्रा शैडो पैलेट ले रही हूँ और उस क्रीमी बेस शेड की हेल्प से अपने आईलिड्स को सेट करूँ। ये हमारे जो फर्दर कलर्स आने वाले हैं उन्हें ब्लेंड करने में ईजी करेगा प्रोसेस को और क्रीज नहीं होने देगा। नेक्स्ट का लव एंड कॉन्टोर्स ऑल पैलेट ले रही हूँ और उससे रेडिश ब्राउन शेड लेके मैं आप लोगों को एक नई ट्रिक दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं एक स्मॉलर पेंसिल ब्रश की हेल्प से इस शेड को उस एरिया में अप्लाई कर रही हूँ जिस एरिया में मैं एक्चुअली एक रेडिश ब्राउन शेड को चाहती हूँ, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा उस एरिया के अंदर, क्योंकि जब मैं ब्लेंड करूँगी तो जो कलर है वो आगे फर्दर थोड़ा बड़े हुए रेडियस में डिफ्यूज़ होगा। तो बेटर रहेगा कि मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ उसे ब्लेंड अप्लाई करूँ और उसके बाद मैं उसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे शैडो अप्लाई करती हूँ तो मुझे सेलो टेप जो कि मुझे अप्लाई करना पड़ता है अपने आईलिड्स के पास में, वो मुझे नहीं अप्लाई करना पड़ रहा है। क्योंकि प्रिसाइज जिस एरिया में मैं एग्जैक्टली चाहती हूँ कि मेरा आई शैडो रहे उसी एरिया में रहता है। और उसके बाद क्योंकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ किस कलर को प्लेस करना है, तो आप आराम से अपने उसी कलर को लेके उसी एरिया में प्लेस कर सकते हैं जिस एरिया में आपने पहले प्लेस किया है और डिफ्यूज़ किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे करते हुए, अब मैं एक बड़ा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ। जब आप एक डेंसली पैक ब्लेंडिंग ब्रश लेते हैं तो वो स्पेसिफिक एरिया में ब्लेंड करता है, मैं डिफ्यूज़ कर रही हूँ कलर से। अब मैं ये ब्लैकिश ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसे अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ आउटर वी पे गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डेप्थ बढ़ानी है। फिर सेम बिगर फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से ये रियल टेक्निक्स का है, मैं उसे ब्लेंड कर देती हूँ उसी जगह पे। जब आप एक स्मूथ आउट टाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ब्लेंडिंग की होती है गाइस। सो जस्ट मेक श्योर कि आप काफ़ी अच्छे से वो सारे शेड्स जिन्हें आप यूज़ कर रहे हैं उन्हें एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर दें। इसके बाद में मैं अपनी क्रीज को कट करने जा रही हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस मेकअप लुक का। सो जस्ट मेक श्योर कि आप काफ़ी पेशेंस के साथ अपनी क्रीज को कट करें। आपको मेक श्योर करना होता है कि दोनों आईलिड्स एक ही जैसे दिख रहे हों। सो जस्ट अपनी क्रीज को हाफ कट करें। मैं एक हाफ कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ और उसके बाद में मैं इसे जो है इस पर ये स्मोकी सिल्वरी सॉर्ट ऑफ लुक है, आई शेडो है सॉरी, सेम पैलेट से मेकअप रेवोल्यूशन 32 आई शेडो पैलेट से उसे मैं अपनी आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एट द मोमेंट प्राइस है और इसके बाद में मैं इसे हल्का सा ब्लेंड करूँगी। बस आप इस कलर की जगह कोई भी और कलर प्लेस कर सकते हो, गोल्डन, सिल्वर, पिंक, पर्पल, कुछ भी आपकी चॉइस है। जस्ट ये क्रीज जो है वो आपकी क्रिएट हो जाती है इसी तरीके से। अब हम लोग स्विच ओवर होंगे वापस से बेस मेकअप की तरफ। मैं मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड वेरी वेरी लॉन्ग नेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उसे मैं अप्लाई करूँगी अपने आईज के अंदर। ये
ये फाउंडेशन ये कंसीलर जो है ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो के लिए, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि शेड मीडियम जो है वो तो मेरी स्किन के लिए काफ़ी लाइट है, और मैं इसे अपने फाउंडेशन के नीचे अप्लाई करती हूँ। आप देखेंगे फर्दर इन द वीडियो की मैं कोशिश करूँगी इसे एडजस्ट करने की, और बियॉन्ड डाउट से काफ़ी अच्छा लगेगा बाय दी एंड, लेकिन थोड़ी देर के लिए इन द वीडियो आपको लगेगा कि मेरा कंसीलर काफ़ी डार्क है, लाइट है। जस्ट बेयर विद मी फॉर अ वाइल। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप देखेंगे कि सब कुछ अप्रोप्रिएटली सेट हो जाएगा, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगी कि मेरा कंसीलर जो है वो फाउंडेशन के अंदर हो। तो आप देख सकते हैं मैं अपने रियल टेक्निक्स के मिरेकल स्पंज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, और आप ये भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा हो गया मेरा मिरेकल स्पंज, मोटा हो गया थोड़ा। एनी हाउ मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ, ट्रांसल्यूसेंट लूज़ पाउडर है ये एले ब्रांड का, और उससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर इसलिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लाइट लग रहा था मेरा फेस, ऐसे में मैं नहीं चाहती थी कि कुछ और लाइट लगे। तो अब मैं कॉन्टोरिंग की तरफ स्विच हो रही हूँ, और मैं भूल ही गई थी कि निक्स का कॉन्टोरिंग शेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, और एक साइड पर काफ़ी एक्स्ट्रा एडिशनल अप्लाई हो गया है। सो अब मैं इसे अपने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ ऑन माई चीक, और इसके बाद में आप फर्दर अभी देखेंगे कि मैं इसे और डिफ्यूज़ कर दूँगी अंडर आई हूँ। इसको मैं थोड़ा सा वियर लग जाए, बट अभी एक दो सेकेंड्स के अंदर भी मैं इसे थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर दूँगी जिस पैर दूँ फॉर अ वाइल। तो मैं अपने फोरहेड को कंट्रोल कर रही हूँ, अपनी जॉ लाइन को कंट्रोल कर रही हूँ, और दैट्स इट एट द मोमेंट के लिए सिर्फ इतनी कंट्रोलिंग। और उसके बाद में मैं वो जो लूज़ पाउडर है उसकी हेल्प से अपने कॉन्टोर को डिफ्यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टेंटली उसने जो इम्पैक्ट है उसे रिड्यूस कर दिया है। सो आपको जस्ट मेक श्योर करना होता है आप हमेशा वर्कआउट कर सकते हैं किसी भी मिस्टेक के साथ, यानी कम से कम मेकअप से ट्रिक्स की जगह देखते हैं। सेम पैलेट से मैं ब्राउ ग्रूमिंग प्रोडक्ट ले रही हूँ, एक पाउडर फिनिश ब्राउ ग्रूमिंग प्रोडक्ट है, इसी की पैलेट में अवेलेबल है, पैलेट का आपको वैसे टाइम हो जाए। सो मैं उसे अपने ब्राउज पर अप्लाई कर रही हूँ, और मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरे ब्राउज कि आप अपने ब्राउज को ग्रूम करना कभी इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद में मैं स्कूली की हेल्प से ग्रूम कर रही हूँ अपने ब्राउज को, और अब आप देख सकते हैं मैं सेम पैलेट से हाईलाइटर ले रही हूँ। ये पैलेट मैं जब उठाती हूँ मुझे लगता है किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है। सेम पैलेट से सिल्वर पिंकिश सिल्वर शेड ले रही हूँ फॉर द सेक ऑफ हाईलाइटिंग, और उसे मैं अपने ऑप्टिकल बोन पर अप्लाई कर रही हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एट द मोमेंट। इसके बाद में मैं इसे अपनी नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, इसे मैं अपने क्यूपिड्स को चिन और थोड़ा सा अपने फोरहेड पे अप्लाई करूँगी, और इसके बाद में मैं वापस से फेसेस का ब्रश ले रही हूँ और वापस कॉन्टोरिंग पे स्विच हो रही हूँ। मैंने अपने लिप और अपने नोज़ को कॉन्टोर नहीं किया था, और अब मैं उसे कर रही हूँ कॉन्टोर। मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर रहता है कॉन्टोरिंग करना आफ्टर हाईलाइटिंग, इट्स जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो। नोज़ कॉन्टोरिंग काफ़ी कन्वीनियंट है आज के लिए मेरे लिए। सो दैट इज़ इट फॉर द कॉन्टोरिंग गाइस। अब मैं अपना मिरेकल स्पंज ले रही हूँ और उसकी हेल्प से सब कुछ एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अब टाइम है ब्लश का, मैं लेकिन अच्छी ही ग्लो अच्छी ब्लश ले रही हूँ, और उसे अपने एप्पल का कुछ चीज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी न्यूट्रल ब्लश टोन ब्लश है, सो डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन ऑन योर चीक्स। जब आप अपने चीक्स पर अच्छे सटल होना चाहते हैं तब ये ब्लश काफ़ी काम आता है। सो छोटे हैं लिप्स पे और मैं आप लोगों को अपनी ये कूल सी ट्रिक दिखाने वाली हूँ। मैं अपने लिप को काजल से कॉन्टोर कर रही हूँ। रिमेंबर गाइस मैं अपने लिप को पूरा कर रही हूँ, कॉन्टोर कर रही हूँ काजल से। कॉन्टोरिंग लिप मीन लिप्स के आउटर एजेस जो हैं उन्हें मैं जो है वो काजल से दाखिल कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी काजल से आउटर एजेस पर लगाई है। इसके बाद में मैं सेंटर ऑफ द लिप पे थोड़े से एरिया में कॉन्टोर कर रही हूँ, के बाद में मैं MUA लक्स का लिक्विड लिप लैकर ले रही हूँ द शेड फायर क्रैकर, और उसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी डीप डार्क रेड शेड ले सकते हैं, सिर्फ इतना मेक श्योर कीजिएगा कि उसका पे ऑफ जो हो, कलर पे ऑफ जो हो वो फुल कवरेज हो, एंड दैट इज इट। उसके बाद आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे लिप ग्लॉस हो, आप इस ट्रिक पे आप स्टेबल रह सकते हैं। सो इसके बाद में मेरा लिप्स फिनिश हो चुके हैं, मैं स्विच हो रही हूँ वापस से आईज की तरफ। मैं वो रेडिश ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट कर रही हूँ। डोंट यू वर
नेवर फॉरगेट योर लोअर लैश लाइन बैलेंसिंग अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन काफ़ी नेसेसरी होती है, क्योंकि ब्लैंक लोअर लैश लाइन जब भी आपकी अपर लैश लाइन उतनी डिफाइंड है तो ब्लैक लोअर लैश लाइन अच्छी नहीं होती, तो मेक श्योर कि चीज़ें अच्छी हो जाए, सो बैलेंस एवरीथिंग अवेलेबल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं दोनों आईज के अंदर आई हुई है, आपको बैलेंस कर रही हूँ, स्मोक आउट कर रही हूँ। इसके बाद में मैं ये ब्लैक शेड और ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में होता था, ये सिर्फ आउटर वी पे आई थी लैश लाइन के पास जो है दो अपर आज लोअर लैश लाइन के पास में आउटर वी ऑफ दी दैट सेट गाइस। इसके अलावा और मैं किसी भी जगह पर ब्लैक शेड को स्मोक आउट नहीं करने वाली, मेक श्योर ये तो सिर्फ डेप्थ बढ़ा देगा। इसके बाद आप चाहें तो अपना आई लाइनर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आईज को रिक्वायर्ड डेप्थ मिल जाती है, पर आई एम क्रेजी टू आईज नॉर्मली, मैं अपने आई लाइनर के बिना तो रह नहीं सकती। तो मैं लॉरियल पैरिस 36 hour सुपर लाइनर जेल इंटेंसा वेरी वेरी लॉन्ग आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, एंड रियल टेक्निक्स के आई लाइनर ब्रश की हेल्प से भी आईज को काफ़ी लॉन्ग ब्रश है, रियल टेक्निक्स के काफ़ी ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। और उसकी हेल्प से मैं अपर एज वेल एज लोअर लैशेज़ को कोट कर रही हूँ। आप इस मेकअप लुक पे अपनी फॉल्स लैशेज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं नहीं अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेकअप लुक दिखेगा ही नहीं इन केस मैंने फॉल्सीज अप्लाई की थी अपनी आईज पे। तो ये है द फिनिश्ड लुक यू गाइस, आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय।